हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो ल्यूकोप्लेकिया से रिलेटेड है, और लेजर का क्या रोल होता है ल्यूकोप्लेकिया पे, उस पर मैं बात करूंगी। और ल्यूकोप्लेकिया का अगर लेजर से रिमूवल किया जाता है तो इसके क्या एडवांटेज हैं और क्या इसके डिसएडवांटेज हैं, उस पर भी बात करूंगी। सबसे पहली चीज़ की ये ल्यूकोप्लेकिया होता क्या है। तो ल्यूकोप्लेकिया जो है ये वाइट पैच है आपका, जो कि आपके क्रोनिक हैबिचुअल हैबिट जो भी आपका है, जैसे कि गुटखा चीविंग या फिर स्मोकिंग, या फिर गुटखा चीविंग स्मोकिंग और अल्कोहल, तीनों हैबिट आपको है, तो जिसको कि हम लोग कहते हैं कि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा होता है बकल म्यूकोसा पे, अगर आपको मिक्स्ड हैबिट है तो। तो ल्यूकोप्लेकिया जो है ये वाइट पैच जो है बेसिकली ये बनता है क्रोनिक इरिटेशन के कारण, जो सेल्स हैं उसमें डिस्प्लेजिया होता है, और डिस्प्लेजिया के बाद जो है सेल्स के कैरेक्टर में चेंज आता है, जिससे कि हाइपर केराटिनाइजेशन कहते हैं। और हाइपर केराटिनाइजेशन के कारण जो है वो आपका अत्यधिक मात्रा में केराटीन का फॉर्मेशन होता है, जो कि आपको वाइट पैच के रूप में दिखता है। अब हम लोग ये जानते हैं कि ये जो वाइट पैच है ये क्या लेजर से रिमूव किया जा सकता है। तो हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है लेजर से रिमूव। और ये वाइट पैच किस प्रकार का है, पेशेंट किस प्रकार के हैं, क्या सिर्फ उन्हें ल्यूकोप्लेकिया है या फिर उन्हें ओएसएमएफ के साथ ल्यूकोप्लेकिया है। तो एडवांटेज पे मैं बात करूँ तो लेज़र से काफ़ी अच्छा हीलिंग होता है, और यहाँ पे जो हीलिंग का प्रोसेस है वो सेकेंडरी हीलिंग के थ्रू होता है, क्योंकि लेजर से जब भी हम लोग ल्यूकोप्लेकिया को रिमूव करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं कि जो यहाँ पे सेल्स हैं वो बायोमॉड्यूलेशन के थ्रू रिपेयर होंगे, दोबारा से हील होके। और यहाँ पे जो डिस्प्लेजिया होता है पेशेंट का, जितने भी डिस्प्लास्टिक सेल्स हैं उतने डीप लेयर तक आप जाके जो है एक्साइज कर सकते हैं लेज़र के थ्रू भी। और मैं यहाँ पे कुछ फोटोज़ आपको शो करूँगी, जैसे कि मेरे ये एक पेशेंट है जिनका कि लगभग 14 डेज बैक मैंने इनका जो है लेज़र से रिमूव किया था पैचेस। तो आफ्टर 14 डेज जो है जो इनका अभी का प्रेजेंट सिचुएशन है वो भी मैं शेयर करूँगी। और इन बिटवीन जो है जैसे कितने बड़े एरिया को आप अप्रोच कर रहे हैं तो हीलिंग भी उसी पे डिपेंड करती है। मोर और लेस आपको ध्यान में रखना है कि 15 to 28 डेज हीलिंग फेज आपका हो सकता है। किसी किसी पेशेंट का अगर स्मॉल लीजन है तो 1 वीक में भी वो हील हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज़ द एरिया ऑफ योर ल्यूकोप्लेकिया, आपका ल्यूकोप्लेकिया कितना बड़ा है इस पर ये निर्भर करता है। तो जो मेरे एक पेशेंट थे जिनका 14 डे बैक मैंने किया था, तो उनका जो है ल्यूकोप्लेकिया बड़े एरिया में था, और जो कि स्टार्ट हो रहा था आपका कॉर्नर ऑफ माउथ से लेकर के रेट्रोमोलर एरिया तक, जिसको आफ्टर स्क्रेपिंग और रिमूवल हमने यहाँ पे आपको जो फोटोज़ यहाँ पे दिखाए हैं ये लगभग आफ्टर 2 डेज ऑफ जो है सर्जरी इनका फोटोग्राफ्स इन्होंने भेजा, फिर इन्होंने आफ्टर 10th डेज भेजा, और अभी जो है आफ्टर 14th डेज आप देखेंगे कि पूरे एरिया जो पीछे के एरियाज थे सब हील हो चुके हैं, एकदम से मिनिमल साउंड यहाँ पे बचा हुआ है, जो कि कमिंग 10 डेज में ये हील हो जाएगा। तो लगभग आपको जो है 28 डेज का समय लेके चलना है ल्यूकोप्लेकिया के हीलिंग के लिए लेज़र से रिमूवल जब हो रहा है तो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई स्टिचेस नहीं लगाते हैं, सेकेंडरी हीलिंग के लिए हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं। और पेशेंट का चूंकि स्टिचिंग नहीं होता है तो यहाँ पे जो स्कारिंग है वो नहीं होता है पेशेंट को, यानी कि जैसे मान लीजिए कि पेशेंट आप ओएसएमएफ के हैं और आपका माउथ ओपनिंग ऑलरेडी छोटा है, तो अगर हमने यहाँ पे एक्सीजन दिया स्कैल्पल से तो हमें उंड को स्टिचेस करने पड़ते हैं, तो वहाँ पे स्कार डेवलप होता है जिसे हम लोग कहते हैं हीलिंग स्कार। बट जब हम ल्यूकोप्लेकिया को रिमूव कर रहे हैं लेजर के थ्रू तो यहाँ पे हीलिंग स्कार आपका डेवलप नहीं होता है, होता है तो बहुत ही मिनिमल, जो कि आपके म्यूकोसा के टेक्सचर को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, और डिसएडवांटेज में एज सच कुछ है नहीं, बट अगर आपको जैसे कि ओपन वुंड है तो हीलिंग जो है सेकेंडरी हीलिंग से होगा, तो 28 डेज का आपको समय लगेगा इसमें, 15 to 28 डेज, तो ये आपको दिमाग में रखना है। और जैसा कि मैं बात करूं तो लीजन जब हील होता है पेशेंट का तो आपको लगेगा नहीं कि यहाँ पे ल्यूकोप्लेकिया था या ब्लैक पिगमेंटेशन था, वो सब वैनिश हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।